नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और भैया कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए 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 आइए वीडियो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ नया। वाफएक्स को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप वीडियो को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इतने शानदार वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं संसद भवन की। संसद भवन जो कि आप सभी जानते हैं, अगर आप कभी स्कूल की तरफ से या फिर किसी स्पेशल काम के लिए संसद के अंदर जाकर भी आप घूमकर आए होंगे या फिर आपने बाहर से संसद को देखा होगा, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संसद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से देख चुके हैं। तो आज हम संसद की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम संसद की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कितना पुराना है, कब उसका निर्माण हुआ और अब नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ने जा रही है और नया संसद भवन कैसा बनने जा रहा है, उस पे क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या नया देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो में आपको सारा क्लियर होने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पुराना संसद भवन है, जो मौजूदा संसद भवन है, उसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था। इस बड़े काम को अंजाम देने में 6 साल लग गए थे, यानी कि इसका निर्माण कार्य 6 साल में पूरा हुआ था। फिर इसका उद्घाटन किया उस वक्त के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को। इस पूरी बिल्डिंग के निर्माण काम में करीब 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। संसद भवन इतना अच्छा बना हुआ है, आपने देखा होगा कि उसको देखकर ही आपको लगता है कि क्या कारीगरी है। और इतना बड़ा संसद भवन है जिसमें इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं। पहली बार जब भारत आजाद हुआ था तो उसका अनाउंसमेंट भी उसी संसद में हो चुका है। लेकिन अब ऐसी क्या बात आ गई कि नए संसद भवन की जरूरत आन पड़ी है? तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस होने लग गई है। अभी का संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था, जो लगभग 100 साल यानी कि लगभग 93 साल पुराना है। और अब वक्त की नजाकत को देखते हुए, जहां देश तरक्की कर रहा है उसको देखते हुए, कई सुविधाओं की कमी है जिन्हें अब ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए एक नए संसद भवन का निर्माण बहुत जरूरी हो गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि नया संसद भवन अगर बनेगा, क्योंकि किसी देश की संसद बहुत बड़ी चीज होती है, तो भारत की संसद नई कैसी बनने वाली है, इसको जानने के बारे में आपकी भी काफी क्यूरियोसिटी होगी। तो आपको बता दूं कि नया संसद भवन कितना बड़ा होगा, सबसे पहले जान लेते हैं। संसद के नए भवन में जब निचले सदन की हम बात करते हैं, यानी कि लोकसभा की बात करते हैं, तो इसमें 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। नई इमारत में लोकसभा भूतल पर होगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर होगा। वहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की बात करें तो 384 सदस्य इसमें बैठ सकेंगे। ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखकर मनाया गया है। भारत में अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहाँ 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। इतना बड़ा संसद भवन बनाया जा रहा है। इसके अलावा नए संसद भवन में और क्या होगा, ये आपको बताते हैं। जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, उनके अनुसार नए भवन में सभी सदनों को अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी, ताकि सभी कामों को पेपरलेस बनाया जा सके, कंप्यूटर से लेस बनाया जा सके। और सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर में भरने की जगह, पेपर खराब करने की जगह कंप्यूटर्स में सेव की जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी कि संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहां पर भारत के संविधान की मूल प्रतियों को रखा जाएगा, यानी कि जो असली संविधान है, जो कॉपी है उसकी, वो वहां पर रखी जाएगी। इसके अलावा वहां पर सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल भी बनाया जाएगा, एक लाइब्रेरी होगी, समितियों के लिए कई कमरे बनाए जाएंगे, भोजन कक्ष होगा यानी कि खाने पीने की पूरी व्यवस्था होगी, और बहुत सारी पार्किंग की जगह इस संसद भवन में बनाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो निर्माण क्षेत्र है जिस पर वो बनाया जाएगा, वो है 64,500 वर्ग मीटर। ये मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। इससे जुड़े अधिकारी बताते हैं कि मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। संसद की नई इमारत को बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए का खर्चा आने की संभावना जताई जा रही है। तो संसद की नई इमारत के अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा, वहां मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को भी नया रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके आवास को साउथ ब्लॉक के पास ले जाया जा सकता है। तो ये सारे बदलाव होने जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नमस्कार।